अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सना है और आज हम अपने दादा अबू के साथ फार्म हाउस में आए हैं। हमारे दादा अबू हमें हर माह फार्म हाउस में लेकर आते हैं। मेरे साथ मेरा भाई और मेरी प्यारी सी आपी भी हैं और हमारा पालतू कुत्ता यानी हमारा टोमी भी हमारे साथ है। हमने खूब इंजॉय किया। दादा अबू ने हमें प्यारी प्यारी पोइम्स पढ़ाई और एक्शन के साथ पढ़नी भी सिखाई। हमारे दादा अबू की बहुत अच्छी आदत है, वो बड़ों के साथ बड़े और बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। इसीलिए मैं और मेरे सारे दोस्त दादा अबू के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दादा अबू की सिखाई हुई पोइम्स मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ और वो भी एक्शन के साथ। उसमें मेरा भाई मेरी बहुत ज्यादा मदद करता है और जो एक्शन मुझे नहीं आता मेरा प्यारा सा भाई मुझे वो सिखाता है। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो भाई मेरे साथ जरूर जाता है क्योंकि भाई हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं। तो आज भी भाई मैं जहाँ भी जा रही थी तो भाई मेरे साथ जा रहा था और भाई ने मुझे खूब प्यारी प्यारी बातें मुझसे की और मैंने भी भाई से खूब प्यारी प्यारी बातें की और अपने स्कूल के सारे किस्से सुनाए। हम जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें गिलहरी नजर आई। हमने गिलहरी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन गिलहरी बहुत तेज होती है। गिलहरी बहुत तेजी में भाग गई और हम इसे नहीं पकड़ सके। मुझे गिलहरी बहुत पसंद है, क्या आपको भी पसंद है? हम अपने साथ कैमरा भी लेकर गए थे और भाई ने वहाँ पर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और मुख्तलिफ अंदाज में। जब मैं तितलियाँ पकड़ने में मसरूफ थी तब भाई ने मेरी ये तस्वीर खींची थी। और ये हैट मुझे मेरे दादा अब्बू ने खरीद कर दिया था और इस हैट में भी तस्वीर मेरे भाई ने खींची। भाई को हैट मेरे साथ बहुत ज़्यादा पसंद है और भाई मुझे कहता है कि तुम हैट में बहुत ज़्यादा प्यारी दिखती हो, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला भाई ने कब मेरी तस्वीर खींच ली। मुझे ऊंचाई पे खड़े होने का बहुत ज़्यादा शौक है लेकिन ऊंचाई पे तो मैं खड़ी थी पर दादा अबू बिल्कुल नीचे खड़े हुए थे कि अगर तुम गिरी तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। इसीलिए मैं बहुत ही एतमाद के साथ ऊंचाई पर खड़ी हुई और भाई ने मेरी तस्वीर खींची और ये मेरी बहुत यादगार तस्वीर है। इस तस्वीर में हम सारे इकट्ठे खड़े हैं और दादा अबू ने हमारी इसमें भी तस्वीर खींची है। इसमें छोटा सा बकरी का बच्चा भी है। वहाँ पर मैंने बकरी का बच्चा देखा था और मुझे बच्चा बहुत अच्छा लगा। मैं जहाँ जा रही थी बकरी का बच्चा हमारे पीछे पीछे जा रहा था। बकरी का बच्चा वाइट कलर का था और वाइट कलर का बच्चा बहुत ही क्यूट दिखता है। इतने खेल कूद के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो फिर हमें दादा अब्बू होटल में लेकर आए और हमने वहाँ पर बहुत मज़े मज़े के खाने खाए। और फिर रात में दादी अम्मा ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाई और मैंने अपनी दादू को सारे दिन के किस्से भी सुनाए कि हमने दिन में क्या क्या किया था। मेरी दादू भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुनाती हैं। मेरी दादू मेरे दादा अब्बू की तरह बहुत अच्छी हैं और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आती हैं और दादू मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।